हम कल से यहाँ पे सुबह से आके खड़े हुए हैं, बच्चे बहुत कोशिशें कर रहे हैं, बहुत देर से अपनी बातें मनवा रहे हैं कि सर जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं वैसा नहीं हो रहा है, जो आपकी गाइडलाइंस में लिखा हुआ है वैसा नहीं हो रहा है। पर देखिए सर, जब जब से आए हुए हैं तब से ही लो पानी पी लो तुम अरे यार देखो हेल्थ की ध्यान नहीं दी जा रही है यहाँ पे, अरे देख रहे हो पानी, ये हालत है। पानी ने बहुत स्टार्टिंग में बोल दिया कि भाई 2000 दे के बीए वाला भी वही एडमिशन लिया हुआ है और आप 30000 दे के उन्हीं के साथ घूमते रहते हो, कोई मतलब है क्या? होटल मैनेजमेंट का है ना आपके पास, लेबोरेटरी है, फलाना ढिमकाना कंप्यूटर वाले। अब एक बात, नमस्कार हम प्रियजनों, आप देख रहे हैं सूडी पाठशाला, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का प्रांगण है, सेंट्रल ऑफिस का स्थान है, जहाँ पे पढ़े लिखे छात्र जो हैं कड़ी धूप में धरने पे बैठे हुए हैं। मुद्दा बहुत ही गंभीर है और इस पर ऑलरेडी बहुत बार मैंने आवाज़ उठाई है, कई बार प्रशासन को बताने की भी कोशिश करी है कि आप यहाँ यहाँ गलतियाँ करते हो उसको सुधारो। एक बहुत पुरानी कहावत है, छोटा परिवार खुशी परिवार, लेकिन जब आप उसको खामा खा बड़ा करने की कोशिश करते हो और आपके पास खाने पिलाने का वो चीज़ें अवेलेबल नहीं है और आप उस संसाधन के अभाव में चीज़ों को कोशिश करते हो रन कराने का, तो ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रशासन के पास अभाव है, कुछ लोग हैं जो भाव दिखाना नहीं चाहते हैं। ये जो बिल्डिंग है पीछे जिस पे कुर्सी पे बैठ के तानाशाही दिखा रहे हैं, मैं इनसे यही कहना चाहूँगा कि आप अभी तक धरने पे बैठे हुए किसी भी बच्चे की सुनवाई नहीं करते हो, क्योंकि आपको क्या लगता है कि ये धरने वाले बस ऐसे ही राजनेता हैं, नेतागिरी करने के लिए बैठे हुए? आपको कौन किस एंगल से लगता है कि इतने लोग एक साथ नेता बनना चाहते हैं? भाई ये लोग पढ़ने आए थे, इनका कोई शौक नहीं है कि गेट बंद करके इसी कड़ी धूप में धरना करें, लेकिन आज धरने पर अगर आपने मजबूर करा है तो आपके प्रशासनिक लोगों ने गलत करा। आपने एडमिशन लिया, इनसे लाखों रुपए अपने अकाउंट में भरवा लिए, आपको इन्हें पढ़ाने की जगह पे, और आप क्या कर रहे हो? आप बस ठीक है सब चलते देना है, सुनवाई नहीं करनी है। बेसिकली पूरा मुद्दा इनके मुख से भी जानेंगे, लेकिन इस कोर्स के बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं खुद जानने की कोशिश करूँगा। ध्यान दीजिएगा, कोई भी आता है कैमरा बंद मत करना, ठीक? प्रॉक्टर का काम होता है बच्चों का रक्षा करना, बिल्कुल रक्षा करने के लिए है वहाँ पर। यार रक्षा किसकी होती है पता है? प्रोफेसर का, बस बस जिसको कमाना होता है, ठीक है? तो प्रॉक्टर सबसे पहले मुद्दे को जान लेते हैं। आप लोग कितने दिन से धरने बैठे हुए हो? ठीक है, एक लोग आ जाइए जो अपने मुद्दे को बढ़िया से बता सके, आइए। हाँ, तो आपका मुद्दा क्या है कि आज धरने पर आ जाए बैठ गए? सर ये सारे जो यहाँ पर छात्रगण मौजूद है आप देख पा रहे हैं, ये सारे बीवॉक यानी कि बैचलर ऑफ वोकेशनल स्टडीज के छात्र हैं। अच्छा, और दो बैच यहाँ पर कंप्लीट मौजूद हैं इस समय। बैठ जाते हैं ये लोग नजर आए। हाँ बताइए। दो बैच सर यहाँ पर मौजूद हैं, सीनियर्स भी और जूनियर्स भी, और हालात ये हैं कि पिछले 1.5 साल से हमारे सीनियर्स भी इस मुद्दे को उठाना चाह रहे हैं और बींग अ जूनियर जो कि हम लोग 8 महीने से इस कोर्स में ज्वाइन हुए हैं, वो सब भी इस मुद्दे को उठाना चाह रहे हैं कि प्रशासन हमारी मांगे, हमारी बातें, वो चीज़ें जो कि हम डिजर्व करते हैं वो हमें नहीं दे रहा है। बेसिकली क्या क्या मुद्दा है आपका? सर मुद्दे कई सारे हैं, क्योंकि जब आप एक 16000-60000 पर सेमेस्टर की फीस देकर बीवॉक जैसे कोर्स में इस उम्मीद में एडमिशन लेते हैं कि आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिया जाएगा और वो नहीं दिया जाता है, तो उसके बाद वो फीस तो व्यर्थ होती है, छात्रों का समय व्यर्थ होता है सर। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब ये है कि आप लोग से लाखों रुपए हजारों रुपए लिए गए लेकिन इस कोर्स को अच्छे से रन नहीं कराया जा रहा है? अच्छा, और ये समस्या पूरे छात्रों के साथ है, चूंकि बीबॉक का जो कोर्स है उसमें कई सारे स्ट्रीम चलते हैं। अच्छा, इन समस्याओं से क्या आप लोग भी हैं? आपकी क्या समस्या है? सर यही समस्या हमारी, सेम है। अच्छा, आप प्रशासन से मांग क्या है? सर देखिए, समस्या तो बहुत सारी है पर समस्या की सुनवाई नहीं हो रही है। जैसे परसों हम लोग एनी पेशेंट हॉल में बात करने के लिए आर एस मिश्रा सर और अनिल सर को बुलाए थे, पर कन्वेयर हम लोग के, लेकिन आर एस मिश्रा सर मीटिंग से बीच में उठ के चले गए और हम लोग की एक बात भी नहीं सुनी जा रही है। और फिर रात को 12 बजे ग्रुप में जो बच्चे आवाज़ उठाए थे, जो आगे फ्रंट पे थे, उनको ग्रुप से निकाल दिया जा रहा है। तो उनका सरासर यही मतलब है, जो आवाज़ उठाएगा उसको दबा दिया जाएगा। अच्छा, एक और वीडियो क्लिप देखा था जिसमें FIR वगैरह कुछ बातें की जा रही थी, तो ये बात सच है? अगर बच्चे अपने हक के लिए बोलते हैं तो उनके ऊपर FIR करने की धमकी दी जाती है कि अगर बच्चे देखिए आवाज उठाओगे FIR कराता हूँ, ऐसा बोला गया है साफ साफ हमारे कन्वीनर द्वारा।
अच्छा एफआईआर करने के लिए धमकी दी जा रही है और कार्रवाई नहीं हो रही है। बीएचयू प्रशासन भी बोली है कल 8 फैकल्टी में हम लोग ऐसे अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे कि कोई हमारी बातें सुने, वहाँ पे ऊपर जाके डीन ऑफिस के सामने बोलते हैं सेंट्रल ऑफिस में बच्चे गए, रुको एफआईआर सारे बच्चों पे होता है, ये कहीं का नियम होता है, अगर बच्चे अपने हक के लिए लड़ेंगे तो आप उनको एफआईआर में वो करेंगे, आप उनकी जिंदगी बनाने के लिए बीएचयू में बुलाए कि जिंदगी खराब करने के लिए जिंदगी बात तो सुननी चाहिए, उनको बात सुननी चाहिए। सर आपको पता है पिछले कल मॉर्निंग से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अभी तक कोई आया सुनने नहीं, और एक डीन और डीएसडब्ल्यू के डीन आए हुए, वो क्या बोले जो करना बने कर लो, जो होगा देख लिया जाएगा, ये उनका सब। अच्छा मैं जानना चाहूंगा कि बेसिकली मांगे क्या है, मांग की कोई लिस्ट है क्या? नो प्लेसमेंट सेल फॉर वोकेशनल कोर्सेज, कोई प्लेसमेंट सेल नहीं है, कोई प्लेसमेंट सेल नहीं है। सेकंड है नो प्रैक्टिकल एजुकेशन हैज बीन प्रोवाइडेड, हम लोग का कोर्स 60% प्रैक्टिकल है 40% थ्योरी है, लेकिन वहाँ पे कोई प्रैक्टिकल हम लोग का नहीं करा जाता है। एस आई टीज वर प्रोवाइडेड बट जस्ट टॉपिक्स वर असाइंड टू स्टूडेंट, बस टॉपिक्स दे दिया जाता है कि अपने से कर लीजिए, कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, नीड ऑफ एस ई सी एंड बी एस सी। पाँचवा है नो वर्कशॉप, कोई वर्कशॉप नहीं चलाई जाती है बच्चों के लिए। छठा है द इशू विथ फैकल्टी मेंबर एंड प्रॉपर क्लासरूम, हम लोग पास कोई क्लासरूम नहीं है, कभी इस क्लासरूम में कभी उस क्लासरूम में, यहाँ तक कि बैठने के लिए क्लासरूम तक नहीं है ना, उसमें पंखे हैं ना नीचे मैट है, एक प्रोफेशनल कोर्स है, इतना पैसा दे के आ रहे हैं तो कम से कम टीचर्स क्वालिफाइड नहीं है। सातवां पॉइंट है नो हॉस्टल वाज अलॉटेड टू गर्ल्स। सर हम बहुत देखो बेसिकली जो वीवॉक कोर्स है लगता है कि पढ़ने के बाद कम से कम कुछ नहीं तो 6-7 लाख का तो पैकेज मिल ही जाएगा, तो क्या लग रहा है कि पैकेज मिल जाएगा कि नहीं? हम कल से यहाँ पे सुबह से आके खड़े हुए हैं, बच्चे बहुत कोशिशें कर रहे हैं, बहुत देर से अपनी बातें मनवा रहे हैं कि सर जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं वैसा नहीं हो रहा है, जो आपकी गाइडलाइंस में लिखा हुआ है वैसा नहीं हो रहा है, पर देखिए सर जब से आए हुए हैं तब से ही लो पानी पी लो तुम पहले। अरे यार देखो हेल्थ की ध्यान नहीं दी जा रही यहाँ पे, अरे यार देख रहे हो पानी, ये हालत है पानी, अरे फोन करिए एम्बुलेंस फोन करो प्रशासन को ये समझना पड़ेगा कि इस तरीके से धरने पे बैठा के काम नहीं चलेगा, आपको आना पड़ेगा और इनकी बातें सुननी पड़ेंगी, इनके समस्याओं का समाधान निकालना पड़ेगा। बताइए आपको क्या लगता है इस कोर्स में आपका प्लेसमेंट है पढ़ाई करने के बाद? अभी देखेंगे तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ होने वाला है हमारा कुछ। आज कैच हो जाएगा, हमारे लाखों के बीस ले जा रहे हैं लेकिन ऐसा पढ़ाई हो रहा है जैसे कि हम लोग बीए और बीएससी में है, मेरा खुद का बीए में एडमिशन हो गया था लेकिन मैंने वो छोड़ के यहाँ एडमिशन लिया ताकि कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज हो, हमारा प्लेसमेंट हो, बेरोजगार नहीं रहे, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है, बस पैसे वेस्ट हो रहे हैं हमारे घर वाले के। अच्छा आप कहाँ से आओ पढ़ाई करने के लिए इस कोर्स में? सर मैं भगुआ से हूँ, बिहार। भगुआ बिहार से, तो क्या आप इस उम्मीद से आए थे कि यहाँ पढ़ाई करने के साथ साथ धरना करना पड़ेगा? नहीं सर हम लोग ऐसा कुछ नहीं सोचे थे, हम लोग सोचे थे कि स्पेशल कोर्स है तो कुछ ना कुछ स्पेशल होगा ही इस कोर्स में, तो हम लोग आ गए और हम लोग को क्या पता था कि यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं जैसा हम लोग कुछ एक्सपेक्ट करके आए थे, तो इसलिए हम लोग ये करना पड़ रहा है ना चाहते हुए भी। अच्छा अभी बहुत सारे लोग यहाँ आने वाले हैं एडमिशन के लिए, उनको क्या बोलना चाहोगे, वो इसमें आए या ना? अब वो तो आप जैसा बोले बीएचयू के नाम पे तो बच्चे आएंगे ही आएंगे, वैसे अभी हो सकता है हमारी मेहनत से कुछ आगे प्रोवाइड। अच्छा आप चाहते हो कि हमारे धरने के बाद ये बदलाव हो जाए कि उनके लिए फायदेमंद हो जाए? जाहिर सी बात है अब हमारे पास जो बच्चे हैं उनका फ्यूचर खराब ना हो, टाइमिंग सारी फैकल्टीज की टाइमिंग होती है 5 बजे बंद हो जाना, हमारी क्लासेस ये 6 बजे तक चलाते हैं, अब जो लड़कियां दूर से आ रही हैं वो घर कैसे जाएंगी, 6 बजे एक टाइम अंधेरा हो जाता है, अब क्लासेस हमारी 1 से 6 बजे तक कंटिन्यू चलाते हैं, बीच में ब्रेक नहीं देते हैं, बच्चा लंच नहीं करेगा, खाना पीना नहीं खाएगा, पूरी दोपहर बैठ के क्लास करेगा। कहने का मतलब ये है कि लड़कियों के लिए लास्ट शाम तक क्लास चला रहे हैं, हॉस्टल ना देने की वजह से उन्हें प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है। कोई भी अब 6 बजे तक क्लास है, पहली बार 5 बजे तक फैकल्टी बंद हो जाती है, गेट बंद कर देते हैं, अंकल हम लोग बोलते हैं रुक जाइए अभी हम लोग की क्लासेस चल रही है। हाँ बताओ, यहाँ पे लड़कियों को हॉस्टल नहीं प्रोवाइड किया गया है, और जब कहा गया तो यहाँ पे सीट्स नहीं है हॉस्टल के लिए,
जब आपने कोर्स लॉन्च किया था तब आपको नहीं पता था कि यहाँ बच्चे आएंगे पढ़ेंगे, तब आपको नहीं पता था यहाँ प्रोफेशनल कोर्स चलेगा, हमें लैब की ज़रूरत है। आप कहते हैं साल भर लगता है लैब बनाने में, लेकिन आपने एडमिशन तो ले लिया, बिना लैब के कैसे फर्जी आप कोर्स चला रहे हो जहाँ पे हमें 60% प्रैक्टिकल की ज़रूरत होती है। प्लेसमेंट के नाम पे कुछ नहीं है, हम जॉब कहाँ से करेंगे? अगर हमें यही करना होता तो हम कोई ट्रेडिशनल कोर्स ना कर लिए होते। अच्छा, आपने कितना पैसा दिया आपने कोर्स में? हम हर लाखों रुपए दे करके यहाँ BHU में पढ़ रहे हैं सरकारी। अच्छा, कुछ स्कॉलरशिप वगैरह का है कि नहीं? नहीं आया स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ। मतलब आपने यहाँ पे पैसे लुटाने के लिए कोर्स में लूट रहे हैं ये लोग पूरा पैसा? तो BHU सोच करके आए थे, हमें क्या पता स्पेशल कोर्स के नाम पे ठगा जाएगा। ना ट्रेनिंग दे रहे हैं, ना प्लेसमेंट का कोई कुछ भी नहीं है, बस फीस। अच्छा, आप बताइए आपका शिक्षक अवेलेबल है कि नहीं? प्रॉपर टीचर्स भी नहीं है, वो पढ़ाते भी नहीं है, और जो वो पढ़ाते अगर आप सिलेबस चेक करोगे उससे काफ़ी अलग जाता है। हम लोग लास्ट में खुद ही पढ़ते हैं, उनका भी पढ़ते हैं, सिलेबस का भी पढ़ते हैं, पेपर तक ऐसे लोग प्रिपेयर करते हैं हम लोग का जिनको कुछ आइडिया नहीं है। लास्ट टाइम का पेपर हमारा, हम लोग को एक सब्जेक्ट में तीन यूनिट पढ़ाई गई, एक यूनिट नहीं पढ़ाई गई। पेपर जिसने बनाया, लास्ट यूनिट जो नहीं पढ़ाई गई थी उससे आधा पेपर आया है, चार चार क्वेश्चन एक बार रिपीट हुए, और टीचर्स को खुद नहीं, उनके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, वो हमारे क्या क्लियर करेंगे। अच्छा, मतलब कहने में अनक्वालिफाइड टीचर हैं या फिर टीचर ही नहीं है, ऐसा है? पढ़वाया जाता है टीचर के नाम पे, कोऑर्डिनेटर सर की बहू पढ़ाती है क्लास में। अच्छा, यहाँ पे मतलब बहू लोग भी पढ़ा। अच्छा, ये एक नई बात जानने को मिल रही है कि बहुएं पढ़ाने आ रही हैं। सर आपको बता रहे हैं, दूसरे विद्यापीठ से लोग निकले जाते हैं तो बीवोक में टीचर बन जाते हैं, MVOK करके लोग बीवोक में टीचर बन जाते हैं, और किसी की तो बहू आगे पढ़ाने लग रही है, आगे तैयार। अच्छा, फिर तो मुझे लग रहा है कि किसी की बेटी पढ़ा रही है यहाँ पर। अच्छा, इतिहास पढ़ा के कंप्यूटर पढ़ाने वाले भी लोग होंगे। हमें जवाब चाहिए, जो स्पेशल कोर्स के नाम पे ठगा जा रहा है ना, उसका हमें जवाब चाहिए, जवाब दीजिए, क्योंकि सर हम लोग इतने दिन से यहाँ पे जवाब मांग रहे, कोई नहीं हुआ आज। अच्छा अच्छा, आप लोग की इतनी मांगों में आपकी फीस वापसी की भी एक मांग होनी चाहिए कि पैसा लियो मेरा वापस करो भाई आप। हाँ बताइए सर, हमको ये बताइए, इतनी देर से हम लोग चिल्ला रहे हैं, यहाँ पे हमारे प्रॉक्टर सर खड़े हैं, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, ये बस हमको रोकने के लिए आया, सपोर्ट करने के लिए नहीं, हम क्या समझे बताइए। देखिए इतने लोग यहाँ, हम लोग रात से यहाँ बैठे, आवाज देख रहे हैं मेरी, कोई सुनने वाला नहीं है सर यहाँ पे। एक लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि क्या आप लोग इसी उम्मीद से यहाँ पे एडमिशन लिए थे भाई? आप धोखा हुआ है, कहाँ से आए हो? बिहार से आओ, इतना दूर से इस कोर्स में क्यों एडमिशन ले लिया? वोकेशनल कोर्स में सब इसलिए एडमिशन, क्योंकि ये स्पेशल कोर्स के नाम के हमारे साथ तो ये धोखा हो गया है। हमारा ये था कि प्रैक्टिकल नॉलेज है, हमें ये बताया गया था कि हमें प्रैक्टिकल नॉलेज है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, हमें ये कोर्स अच्छा लगा, ये स्पेशल कोर्स के नाम पे हमें, और हमारे जितना उम्मीद था उतना हमें सबसे बड़ा धोखा हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि हमारे टीचर्स भी, मतलब तुम लोग BVOK क्यों है, हमने इंट्रेंस दिया, हमने पढ़ाई लिखाई, इतना मेहनत करके हमने BHU में नाम लिया, और हमारा कुछ भी वैल्यू ही नहीं है, फीस के नाम पे हमारा कुछ भी पता नहीं चलता, हमारा जो कि प्रैक्टिकल इंटर्नशिप भी नहीं मिल रहा है, बस थ्योरिकल नॉलेज ही हमें मिल रहा है। हम लोग 1.5 साल से ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी हम लोगों ने हमारे क्लास के लड़कों ने बहुत बड़ा ये स्ट्रिक्ट प्रोटेस्ट किया था, तब जाके वो फर्स्ट सेमेस्टर हमारा ऑनलाइन क्लास हुआ था, और बाकी ये 3 सेमेस्टर हमारा इसी तरह चल रहा जा रहा है। 2 साल खत्म होने को हमें कुछ भी नॉलेज पता नहीं, हमें अभी पर्सनालिटी स्किल डेवलपमेंट कुछ भी ABCD तक नहीं पता है, हमारा इंटर्नशिप तक नहीं हुआ है अभी तक। अच्छा, और हम लोग बहुत उम्मीद लेके इस विश्वविद्यालय में आए हैं, बिहार के एक छोटे से गांव से, और ये सोच के आए कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो देश का 3रे सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, एक उम्मीद से आए कि इस कोर्स में पढ़ने के बाद हम अपने माँ बाप को एक बढ़िया प्लेसमेंट लेके क्या दिखाना चाहेंगे, एक अच्छा जगह प्लेसमेंट लेना चाहते हैं। लेकिन आप देखिए क्या हो रहा है, हम लोग को धरना देना पड़ रहा है, हम लोग नहीं चाहते इस धरने में पढ़े, हम चाहते जो हमारी बेसिक राइट है वो हमें मिले। हम क्या मांग रहे हैं, हमारे जैसे UGC के गाइडलाइन में भैया लिखा हुआ है कि 60% प्रैक्टिकल और 40% थ्योरी, हम बस चाहते कम से कम आप वो तो फॉलो कीजिए, आप इंटर्नशिप दीजिए हमें। हम इंटर्नशिप कोई नाजायज बात नहीं मांग रहे, वो हमारे कोर्स में है, बिना इंटर्नशिप के ये कोर्स बहुत बेकार है, इंटर्नशिप बहुत जरूरी है इसके लिए, बिना इंटर्नशिप के इस कोर्स का कोई वैल्यू नहीं है। जो रूल्स है वो सब कुछ फॉलो नहीं हो, फॉलो नहीं भैया, हमें बस क्लास नहीं मिली जा रही है, हम लोग कभी इधर से उधर, बस क्लास बेसिक राइट हमारे क्लास है, क्लास के लिए हम लोग इधर से उधर जाते हैं, आप देख रहे होंगे, बस हमारा यूनिफॉर्म दे दिया गया, इधर से उधर
एक पीरियड के बाद दूसरे पीरियड इधर से उधर शिफ्ट कर रहे हैं। क्लास आप दीजिए, बेसिक क्लास दीजिए, प्रॉपर टीचर्स दीजिए, इंटर्नशिप प्रोवाइड कीजिए, प्लेसमेंट दीजिए, वर्कशॉप दीजिए। आप ये जो बेसिक्स है UGC के गाइडलाइन को तो फॉलो कीजिए। बस हम चाहते हैं कि ये जो कोर्स है ये एक इंसान एक व्यक्ति के अधीन आ गया है, RS मिश्रा। हम चाहते हैं कि वो इस्तीफा दें, यहाँ से कोर्स छोड़ दें, क्योंकि ये कोर्स वो ढंग से संचालन नहीं करा पा रहे हैं। और हमारा जो इंटर्नशिप था 60% इंटर्नशिप हम लोग को कराना जरूरी था और प्रैक्टिकल 60% था। मतलब हाँ, ये कि जो कन्वेनर है वो डिस्क्वालीफाइड है, क्वालिफाइड नहीं है, इसके काबिल हाँ, नहीं है, काबिल नहीं हो पा रहे हैं। नियत में खोट है, करप्शन है। बेसिकली नियत में खोट कहने का सेंस ये है कि पैसा इकट्ठा करने में उनका इंटरेस्ट है, पढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हर दो महीने बाद उनको फीस चाहिए, ये क्या बात होता है? 7-8 क्लास की तरह बच्चों क्लास चल रहा है, हम लोग क्या बच्चे हैं? चल रहा है, दो महीने चल रहा है, 6 महीने का कोर्स। चलिए, ओवरऑल अभी हम लोगों ने बहुत सारी बातें उनको सुनी है और मैं चाहूँगा कि इसका कंक्लूजन मैं आपको पहुँचा दूँ। बेसिकली देखो, ये जो कोर्स है ये है प्रोफेशनल कोर्स और इसको रन करा रहे हैं लोग आर्ट सर्कल टीम में। यहीं से गलती हो जा रही है, जबकि इस कोर्स के लिए पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म होना चाहिए था जहां पे इसका जो मैनेजमेंट है वो प्रॉपर वे में हो सके। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, इस कोर्स को रन कराया एक एज यूजुअल, जैसे कि आर्ट फैकल्टी के बाकी कोर्सेज चलते हैं, ह्यूमैनिटीज़ वाले, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वाले। हर कोर्स का अपना एक तरीका होता है चलाने का। जब प्रैक्टिकल कोर्स है तो जाहिर सी बात है कि आपको प्रैक्टिकल चीज़ें जो हैं वो मुहैया करानी चाहिए। अब आर्ट फैकल्टी में रन करा रहे हो, यहाँ फैकल्टी नहीं है, टीचर्स नहीं है, लेबोरेटरी नहीं है, क्लासरूम नहीं है और आपने कोर्स रन शुरू कर दिया, तो ये समस्याएं तो सामना करना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रशासन इस पे जो है वो जल्द से जल्द कार्रवाई करे, जल्द से जल्द इनकी मांगों को सुना जाए। जितने बच्चे भी हैं, जाहिर सी बात है, धरने के लिए आए नहीं है, विश्वविद्यालय में इन्होंने एडमिशन लिया है पढ़ाई करने के लिए, और अगर पढ़ाई करने के लिए इन्होंने अगर यहाँ पे एडमिशन लिया है तो इनको वो प्लेटफॉर्म मुहैया कराया जाए जिससे पढ़ाई कर सके, सुचारू रूप से अपना भविष्य संवार सके। यहाँ पे इनका कोई ये उद्देश्य नहीं है कि आगे गेट बंद करें और धरना करें, ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रशासन जो है इसको जल्द से जल्द सुनेगी, और साथ ही साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को जो लोग भी देख रहे हैं वो इसको जरूर शेयर करें, और इनकी मदद के लिए ऑनलाइन आप लोग सपोर्ट करिएगा। ट्विटर का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी ऐसी वीडियो की तरफ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मुस्कुरा